तो दोस्तों लेकर आ गया हूँ होली के लिए एक और मस्त वाला होली पिचकारी बनाने का आइडिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कूलर फैन में यूज होने वाला वाटर पंप से इलेक्ट्रिक होली पिचकारी बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। दोस्तों अगर आप होली पिचकारी और स्प्रे से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको होली पिचकारी और स्प्रे वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें जरूर लगाइएगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि जो आइडिया आपको हमारे वीडियो देखने से मिलता है वह कहीं और नहीं पाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन खत्म आप कीजिएगा। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक होली पिचकारी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक वाटर पंप लिया है जो कि कूलर फैन में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमने एक वाटर पंप लिया है, और दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो इसका पाइप लगा हुआ रहता है इस वाटर पंप में। दोस्तों इस वाटर पंप का जो पाइप है वह लगभग 2 फीट का होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो वाटर पंप का पाइप है उसमें हम एक अलग सा पाइप लगाएंगे और उसमें एक पिचकारी जोड़ेंगे जिसको हम एक होली पिचकारी की तरह यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते यहाँ पर हमने जो नल के आगे हिस्से में लगा होता है जो नल का टोटी होता है उसको हमने यहाँ पर लिया है, और उसके साथ एक जॉइंटर लिया है। दोस्तों आप किसी भी प्रकार का अपने हिसाब से डिजाइन दे सकते हैं पाइप के हिसाब से। हमने इस प्रकार से जो नल का टोटी था उससे इस प्रकार डिजाइन से इसको बनाया है। तो दोस्तों उसके अलावा हम यहाँ पर एक लेवल पाइप लिया जिसको हमने यहाँ पर जो मार्कर पेन होता है दोस्तों बड़ा वाला साइज का उसका जो कैप था उसमें हमने इस लेबल पाइप को यहाँ पर फिट कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको तैयार कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, इस प्रकार का हम एक पाइप लेंगे और दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा होली पिचकारी है उसका जो सामने वाला भाग बनेगा इस तरह से होली का पिचकारी वाला हिस्सा बनेगा सामने वाला जहाँ से हमारा कलर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों ये जो पाइप है उसको लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको इस प्रकार का जो कलर पेन होता है उसके सामने भाग को आपको कट कर देना है, और कट कर देने के बाद क्या करेंगे ये जो हमारा लेबल पाइप है दोस्तों उसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम लेबल पाइप में ही यूज करेंगे तो ज़्यादा मोटा धार निकलेगा तो इसमें प्रेशर कम बनेगा, और दोस्तों हम इसमें जितना पतला इसमें पाइप लगाएंगे उतना ही इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे ये जो पाइप है उसको थोड़ा बाहर खींच लेंगे, और खींच कर दोस्तों ये जो पाइप है हमारा इसमें इस पर ले आएंगे, और ये जो हमारा पेन का सामने वाला भाग है दोस्तों उसे इस पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पेन का भाग हमने लगाए उसका होल है वह काफ़ी पतला है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो होली पिचकारी है वह तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसे पकड़ कर यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसका जो पाइप है उसे यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों ये जो वाटर पंप का जो पाइप था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर एक कैप लिया है जिसको हमने इस प्रकार से यहाँ पर लगाया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो होली वाटर गन है जो होली पिचकारी है वह तैयार हो गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो वायर है दोस्तों उसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें करंट आने का डर तो नहीं रहेगा, तो हम आपको बताएंगे दोस्तों ये जो वाटर पंप उसमें करंट कभी नहीं आता है। दोस्तों करंट आने का कारण क्या होता है, इसका जो वायर होता है दोस्तों वह कहीं से कटा होता है जो कि पानी में डूबा हुआ रहता है, वहां से करंट आने का चांस रहता है। दोस्तों अगर आप इस होली पिचकारी को बना रहे हैं वाटर पंप से तो आप ध्यान रखिएगा कि उसका जो वायर है जो मोटर के सामने लगा हुआ रहता है वह कटा हुआ न रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों अब हमारा जो इलेक्ट्रिक होली पिचकारी है वह तैयार हो चुका है, तो हम आपको इसका यूज करके दिखाएंगे। दोस्तों आपको इसे यूज कैसे करना है, तो दोस्तों आपको एक डिब्बे में कलर लेना है या आप किसी प्लास्टिक बाल्टी में कलर ले सकते हैं, और उसके अंदर दोस्तों ये जो हमारा वाटर पंप है उसको इसके अंदर डाल देना है, और सीधे दोस्तों इसका जो वायर है उसे प्लग में लगा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्लग है, वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो हम ये जो मोटर है उसको अंदर डाल देते हैं, और इसका जो वायर है दोस्तों उसे अपने स्विच बोर्ड में लगा देते हैं, तो हमारा जो होली पिचकारी दोस्तों वह काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो होली पिचकारी है वह अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसमें थोड़ा पतला पाइप और लगाएंगे इसके सामने वाले भाग में तो इससे प्रेशर ज़्यादा और निकलेगा। तो दोस्तों इसमें जितना आप पतला लगाएंगे उतना ही इसका प्रेशर निकलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा होली पिचकारी है वह अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह आइडिया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।